Hey, hi everyone, this is Mayank Kotharia, and in this video we are going to discuss a question on the clean price and dirty price. Let's read the question and discuss the same. MP Limited issued a new series of bonds on January 1, 2010. MP Limited एक company है, उसने issue किया है नए series of bonds को January 1, 2010 को. The bonds were sold at par, 1000 rupees. जब issue किया ना 1 जनवरी 2010 को, तब market में price 1000 rupees थी और face value भी 1000 rupees थी. At a coupon rate of 10% per annum and mature on 31st December 2025, यानी तकरीबन ये 16 साल के लिए था. January 2010 से December 2025 is going to be 16 years. Coupon payments are made semi-annually on June 30th and December 31st. Coupon का जो payment किया गया वो जून को और दिसंबर को, यानी कि सेमी एनुअल पेमेंट है. आगे देखो. अज्यूम दैट यू परचेज्ड एन आउटस्टैंडिंग एमपी लिमिटेड बॉन्ड ऑन 1 मार्च 2018. अब बॉन्ड तो मार्केट में इशू कर दिया कंपनी ने 2010 में, आपने 1 मार्च 2018 को बॉन्ड खरीदा. When the going interest rate was 12%, और जब इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में चल रहा था वो था 12%. Required, क्या required है देखो. What was the YTM of mark MP Limited bond as on January 1, 2010? 1 जनवरी 2010 को YTM bond का कितना चल रहा था, ये पहले निकालना है. Second item जो आपको निकालना है वो है What amount you should pay to complete the transaction. और भी कुछ आई थिंक इसमें डिटेल होगी मेरे हिसाब से, वो मिसिंग लग रही है मेरे को यहाँ पे. व्हाट अमाउंट यू शुड पे टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन बेसिकली, ठीक है. और एक दो चीज़ें जो एक्रूड इंटरेस्ट के बारे में थी वो मैं डिस्कस कर लूँगा आपको इसी में. छोड़ देते हैं उसको वहाँ पे, ध्यान दो अभी कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. पहले तो आपको YTM पूछ रहा है, हम YTM निकालते हैं नॉर्मल तरीके से. YTM का फॉर्मूला क्या है? अब YTM yield to maturity हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप एवरेज मेथड यूज कर लो और या तो आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाली मेथड यूज कर लो, जिसमें IRR वाली मेथड बोल सकते हो आप, उसमें IRR निकालते हो. मैं एवरेज मेथड यूज करके आंसर निकालता ले रहा हूँ. तो ये होता है मेरा कूपन अमाउंट प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स टू मैच्योरिटी डिवाइडेड बाई एवरेज ऑफ द रिडम्पशन वैल्यू एंड मार्केट प्राइस. और ये हो गया आपका तकरीबन, क्या बोलेंगे इसको, 2. कूपन पेमेंट 50 रुपये, रिडम्पशन वैल्यू 1000, मार्केट प्राइस भी आई थिंक 1000 थी जब इशू किया गया था. यार ये तो 12% ही आंसर आएगा, क्यों आंसर पूछ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है. कूपन पेमेंट 50 कैसे निकाला मैंने, 1000 रुपीज इंटू 10% इज 100 रुपीज फॉर 1 ईयर, सो 6 मंथ्स के लिए हो गया आपका 50 रुपये. 1000 माइनस 1000 डिवाइडेड बाय IRR से निकालेंगे मेरे हिसाब से, तब जाके थोड़ा सा फर्क आएगा इसीलिए, नहीं तो इससे तो आंसर आपका बदल ही नहीं रहे. समझ में आ गया, चलो ठीक है. मैं आपको दोनों तरीके से करके बता देता हूँ. 16 साल था तो 32, और रिडम्पशन वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस 1000 1000 डिवाइडेड बाय 1000, 5%, 10%, 10%, ठीक है. मार्केट प्राइस भी उन्होंने एट पार बोला है ना, तो YTM भी उतना ही आएगा, ठीक है. 10% का YTM आएगा पर एनम, मतलब कूपन रेट जितना ही आएगा. एक दूसरे तरीके से भी आप उसको पता कर सकते थे, वो था ये कि इफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू देन YTM विल बी इक्वल टू कूपन रेट, अगर रिडम्पशन एट पार हो रहा है तो. सो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट प्राइस थी आपकी 1000, तो YTM आपका हो गया 10% जो कूपन रेट था. ये एक दूसरा तरीका था. चलो ठीक है, पहला वाला आंसर तो आपको मिल गया. मैं सेकंड आंसर की बात करता हूँ जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बॉन्ड इश्यू किया था 2010 में, ठीक है. अब ये आ गया मान लो 31st, या आप ले लो
1 जनवरी 2018, यहाँ से 6 महीने कंप्लीट होते हैं, 30 जून, नहीं 1 जुलाई 2018, ठीक है। अब आपने कब बॉन्ड खरीदा? आपने बॉन्ड खरीदा मार्च में, 1 मार्च को, 1 मार्च को आपने बॉन्ड खरीदा, 1 मार्च 2018। आपको मार्केट प्राइस यहाँ पे निकालनी है। अब हमारे इक्वेशन के हिसाब से हम 6 मंथली मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, या अगर आप लॉजिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हो, बहुत इजी जाएगा। स्टार्टिंग में मार्केट प्राइस निकालना बहुत इजी जाएगा, लेकिन बीच में मार्केट प्राइस निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ 4 महीने बाकी है और उसके बाद 6 6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस यहाँ पे जिस पे आपने खरीदा होगा। अब आती है बारी डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस की। डर्टी प्राइस क्या होता है? डर्टी प्राइस इज इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। तो सर, हम जब बॉन्ड खरीद रहे हैं तो हम कौन सी प्राइस पे बॉन्ड खरीदते हैं? हम डर्टी प्राइस पे बॉन्ड खरीदते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा साइड में रख के। आपने 100 रुपये में बॉन्ड खरीदा, 6 महीने बाद आपको उस पर 50 रुपये मिलने वाले हैं एज एन इंटरेस्ट। चलो, आपने 1000 रुपीज में बॉन्ड खरीदा, 6 महीने बाद 50 रुपये इंटरेस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। 6 महीने बाद अगर मैं आपसे खरीदने में आऊंगा, आपको अभी 6 महीने कंप्लीट हो गए मान लो, लेकिन इंटरेस्ट मिला नहीं, इंटरेस्ट कल मिलेगा, और आज ही मैं आपसे अगर बॉन्ड खरीदना चाहता हूं, तो आप मेरे को कितने में बेचोगे? आप बोलोगे देखो 1000 में आपने वहां पे किया, तो आप मुझसे 1000 तो कलेक्ट करोगे, प्लस 6 महीना आपने होल्ड करके रखा, उसका इंटरेस्ट भी आप मुझसे कलेक्ट करोगे, तो मेरे से कितना कलेक्ट करोगे? 1050 रुपये। हाँ, अगर मैं कल आता हूँ आपके पास में लेने के लिए, तो आपको तो 50 रुपये कंपनी दे चुकी है, तो मेरे से कितना लोगे? सिर्फ 1000 रुपीज। तो अल्टीमेटली आपके पास में 1050 आना चाहिए। ये जो 1050 आप मुझसे ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डर्टी प्राइस, क्योंकि उसमें क्लीन प्राइस 1000 रुपीज तो आपने इंक्लूड की, लेकिन 50 रुपये का आपने एक्रूड इंटरेस्ट भी आप मुझसे रिकवर कर लिया। तो कोई भी सेलर जब बायर से पैसे चार्ज करेगा बॉन्ड के लिए, दैट विल बी इंक्लूडेड इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट। अपना इंटरेस्ट तो कोई भी कवर अप करेगा ना, सीधी सी बात है। अब ध्यान दो, आपने 1 जनवरी 2018 को बॉन्ड खरीदा 1000 रुपीज का मान लो, अब आपको 1 जुलाई 2018 को इंटरेस्ट मिलेगा 50 रुपये का, लेकिन 1 मार्च को ही अगर आपको बॉन्ड बेचना है, तो लॉजिकली बताओ मेरे को एक चीज, क्या आप मुझसे 1050 कलेक्ट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू होने को तो 6 महीने लगेंगे, आप तो 2 महीने बाद ही बेच रहे हो। चलो ठीक है, क्या आप 1000 रुपीज कलेक्ट करोगे मुझे मुझसे? नहीं, 1000 तो 2 महीने पहले पे किया था, 2 महीने का इंटरेस्ट आप मुझसे कितना कलेक्ट करोगे? 1000 रुपीज प्लस 2 महीने का इंटरेस्ट, 16 रुपए 67 पैसे। दिस इज डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस क्वेश्चन में जो निकालने बोला है सेकंड वाले पार्ट में, वो बोला है कि ये कौन सी प्राइस पे हम खरीदेंगे? हम खरीदेंगे डर्टी प्राइस पे, विच विल बी इंक्लूडिंग एक्रूड इंटरेस्ट। चलो, इतना आपके समझ में आया। अब यहां तक पहुंचना है 1 मार्च 2018, तो सबसे पहले आपके पास में मैं दो रास्ते बताता हूं सेम प्राइस कैलकुलेट करने के, या तो 1 जुलाई 2018 की मार्केट प्राइस निकाल लो, या तो 1 जनवरी 2018 की मार्केट प्राइस निकाल लो। अगर आपने 1 जुलाई 2018 की प्राइस निकाली, ठीक है, वो होगी क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। 1 जुलाई को तो कूपन पेमेंट हो चुका है पुराना वाला, तो आज जो प्राइस दिख रही है वो क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस सेम होगी, क्योंकि एक्यूरेट इंटरेस्ट फिर से जीरो हो गया, आगे 6 महीने के जो एक्यूरेट इंटरेस्ट है वो जीरो हो गया। सो यहां पे अब यहां से अगर आप पीछे जाते हो, एक भी दिन पीछे गए, इसका मतलब 50 रुपए का एक्यूरेट इंटरेस्ट ड्यू हो चुका था, वो आपको ऐड करना पड़ेगा 1 जुलाई वाली प्राइस में, तो वो बन जाएगा डर्टी प्राइस। मान लो 30 जून को आप निकालते हो, 30 जून 2018 को, उस दिन तो 50 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ ना। अब 30 जून 2018 की अगर प्राइस निकालनी है, तो कौन सी प्राइस आएगी? वो क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, निकाल लिया। सर, लेकिन हमको 30 जून की तो चाहिए ही नहीं, क्या करे? ठीक है, आप यहां से 4 महीने पीछे जाओ, जून आपका, अप्रैल सॉरी जून मई अप्रैल और पूरा मार्च महीना,
एक तारीख को खरीदा ना, 4 महीने डिस्काउंटिंग कर लो उसी प्राइस को, जो भी क्लीन प्राइस प्लस एक्यूरेट इंटरेस्ट आपने निकाला उस डर्टी प्राइस को 4 महीने से डिस्काउंटिंग कर लो, आपको 1 मार्च की प्राइस मिल जाएगी। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं समझाता हूँ, आप 1 जनवरी 2018 की प्राइस निकाल लो। 1 जनवरी 2018 को प्राइस कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, जितने भी फ्यूचर में कैश फ्लोस आने वाले हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, निकाल ली 1 जनवरी 2018 की। अब यहां से 2 महीने और का इंटरेस्ट ऐड कर दो, एक्यूरेट इंटरेस्ट 16 रुपए 67 पैसे, यू विल गेट द सेम प्राइस। दोनों तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, आप एग्जाम में कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। अब कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 जुलाई 2018 हो या 1 जनवरी 2018 हो, अगर आपको बॉन्ड की प्राइस निकालनी है, दैट इज नथिंग बट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। सो सबसे पहले मैं निकालता हूं प्राइस ऑन 1 जुलाई 2018। अब आप सोचो 1 जुलाई 2018 को जो प्राइस होगी दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। अब फ्यूचर कितना बाकी है बॉन्ड का? 2025 दिसंबर को मैच्योर हो जाएगा। जुलाई 2018 आधा हो चुका है, आधा बाकी है एक पीरियड। फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25, 7 साल सेमी एनुअली, उसको 14 पीरियड बोलते हैं, प्लस 2018 का एक पीरियड, यानी कि 15 पीरियड बाकी है। 15 सेमी एनुअल पीरियड्स। तो इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। फ्यूचर में आपको क्या क्या कैश फ्लोस मिलेगी? सबसे पहले आपको मिलेगा इंटरेस्ट हर 6 महीने में इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्या रेट से? 6% के रेट से, जो क्वेश्चन में 12% रेट दिया हुआ है YTM का। सर अभी तो हमने 10% रेट निकाला, वो क्यों नहीं यूज कर रहे? 10% 2010 का रेट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वो 2010 का YTM था। सेकंड वाले पार्ट के लिए उन्होंने बोला है कि जिस दिन बॉन्ड खरीदा गया उस दिन मार्केट में रेट 12% चल रहा था पर एनम, तो 6 महीने का हो गया 6% फॉर 15 पीरियड, प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6% से 15th पीरियड का, ठीक है। इंटरेस्ट 6 महीने का आएगा 50 रुपए इंटू 0.417, ये आएगा 1000 रुपीज पे रिडीम होगा, और 9.712 ये आ जाएगा, तो आपकी बॉन्ड की प्राइस आ जाएगी 902.6 रुपए। दिस इज क्लीन प्राइस, ठीक है। समझ में आया? 902.6 रुपए कहां की प्राइस है, ये रही। अब ध्यान दो, यहां से अगर आप एक भी दिन पीछे गए तो आपको 50 रुपए सीधा ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने कंसेप्ट वाला वीडियो देखा है डर्टी प्राइस क्लीन प्राइस का, तो आपको याद है कि ग्राफ कैसा होता था, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। ये ग्राफ होता था, ठीक है, प्राइस यहाँ से शुरू हुई, यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, और फिर सीधा यहाँ आई, ठीक है, फिर प्राइस यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, फिर सीधा यहाँ आई, उसी दिन, अगले ही दिन, मान लो एक दिन के फर्क से। अब क्या हो रहा, हम कहाँ पे खड़े पता है? हम यहाँ पे खड़े, ये है 902.6 वाली प्राइस। एक भी दिन पीछे गए कि आपको सीधा 50 रुपए ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 50 रुपए माइनस करके वो 902 आया हुआ था। इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो प्लीज गो थ्रू दैट कॉन्सेप्ट, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
डर्टी प्राइस अ डे बिफोर, क्लीन प्राइस ये कब थी, 1 जुलाई 2018 की, डर्टी प्राइस दैट इज ऑन 30 जून को, डर्टी प्राइस क्या रहेगी, 92.60+50। ये तो क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस बोल सकते हो आप इसको, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि रीसेट डेट पे दोनों सेम होते हैं। तो ये आ गया आपका 952.60 रुपये। ठीक है, अब यहां से हमको 4 महीने पीछे जाना है। फर्स्ट मार्च तो डिस्काउंट करेंगे 4 महीने से, ये मैं आपके पर्पस के लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। प्राइस ऑन 1 मार्च 2018 952.60 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.04, 6 महीने का 6%, तो 4 महीने का 4%, 12 महीने का 12%, 4 महीने पीछे जाना है तो 4 महीने का रेट लिया मैंने। ठीक है, नौ सौ 15.96, दिस इज डर्टी प्राइस ऑन 1 मार्च 2018, और यू कैन से प्राइस एट विच बॉन्ड इज परचेस्ड। ठीक है, ये एक चीज हो गई आपका सेकंड वाले का आंसर। कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा इसके साथ में, 915.96 में एक्रूड इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है। सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप आ गए 902.6 में 50 रुपये ऐड किया, तो यहाँ पे हो गया आपका 952.60। अब आप यहाँ से सीधा यहाँ जंप करके आए हो, ठीक है, 4 महीने, तो आपका रेट आ रहा था 915.60। इसके अंदर जो एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो है ये 2 महीने का, मान लो 2 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। प्राइस बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन डर्टी प्राइस, बहुत ही सिंपल है, 50 अगर 6 महीने का है तो 2 महीने ही तो हुए ना अभी, जनवरी और फरवरी, तो वो रहा 16.67। ये आपकी आ जाएगी क्लीन प्राइस ऑन 1 मार्च 2018। एट 99.29 बोल सकते हो आप। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आपको डर्टी प्राइस पता चल गया, आपको क्लीन प्राइस पता चल गया, आपको एक्यूरेट इंटरेस्ट पता चल गया। मैंने बोला था डर्टी प्राइस इज इक्वल टू क्लीन प्राइस प्लस एक्यूरेट इंटरेस्ट, तो ये क्लीन प्राइस प्लस एक्यूरेट इंटरेस्ट करोगे तो आपकी डर्टी प्राइस आ जाएगी। अब मैं आपको शॉर्ट में कुछ और कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि और कौन सा तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैंने आपको एक और ऑप्शन दिया था कि यार आप 1 जुलाई 2018 को प्राइस ना निकालते हुए आप 1 जनवरी 2018 को प्राइस निकालो, यानी कि 6 महीने पीछे। जैसे ही आप 6 महीने पीछे जाओगे तो ये 15 पीरियड के हो जाएंगे 16 पीरियड। ठीक है, ध्यान देना, 1 जनवरी 2018 को हम अगर कैलकुलेशन करें तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। 1 जनवरी 2018 तो हम वापस से ये वाली प्राइस निकालेंगे जो ऊपर में निकाली थी, तो उसका आंसर आपका कुछ ऐसा आएगा, 50 इंटू, अब 16 पीरियड का फैक्टर हमने लिया था अराउंड क्या आ रहा था, 10.106 हमने नहीं लिया था, मैंने अलग से कैलकुलेट करके रखा है इसलिए मैं लिख रहा हूं, 1000 इंटू 0.394। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आएगा, ये 1 जनवरी की वैल्यू है। ठीक है,
899.3, दिस इज यू कैन से क्लीन प्राइस, क्योंकि ये 1 जनवरी की है, रीसेट डेट है. अब आगे आगे बढ़ोगे तो ड्यू होना चालू होएगा. ये 899.3 कब की है पता है, ये पॉइंट की है 899.3, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा मैं लिख दिया हूँ वहाँ पे 899.3. एड एक्रूड इंटरेस्ट 16.67, तो ये आ गई आपके डर्टी प्राइस ऑन मार्च, 1 मार्च 2018, 915.97. ये आ रहा था 915.96, ये आ रहा है 97, हार्डली एनी डिफरेंस. सर ये तो बहुत इजी है, 3 स्टेप में आपने कर दिया, इतना सारा करवाने की क्या जरूरत है, इसको भी इतना ही टाइम लगेगा जितना उसको लग रहा है. बस यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ना डिटेल में लिखी और यहाँ पे शॉर्ट में कैलकुलेशन कर दिए बिना कुछ लिखे, अल्टीमेटली कर उतना ही रहे हम. ठीक है, सो आई विल सजेस्ट टू फॉलो दिस मेथड फर्स्ट, नॉट दिस. अब सर क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप चाहो तो ये भी फॉलो कर सकते हो, बट मोर अप्रोप्रिएट इज दिस. सो दिस इज द एंटायर आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया हो. कोई भी दिक्कत हो आपको इस क्वेश्चन में, तो यू कैन ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी द डाउट्स. राइट डाउन द आंसर्स ऑन दिस टू दिस क्वेश्चन एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय बाय.